हेलो फ्रेंड्स, सुचिता इलाहाबादी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पोहे और आलू से बनी रेसिपी लेके आए हैं। बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट बन के रेडी होगी। इसको बनाने के लिए एक कटोरी हम पोहा लिए हैं और दो मीडियम साइज का आलू देखिए हम छील के रख लिए हैं। ये पोहा हम धुल लेते हैं पहले। ये देखिए धुल के हम रख लिए हैं, इसका पानी निकल गया है। अब इसको हम मिक्सी जार में ले रहे हैं। इसमें हम हल्का सा पानी डाल के पीस ले रहे हैं। ये देखिए पोहा हम पीस लिए हैं इस तरीके से दरबरा। अब इसको एक बाउल में हम रखेंगे। ये देखिए आलू हम बारीक कद्दूकस करके धुल लिए हैं। ये बहुत ही बारीक कद्दूकस हुआ है। अब इसको हम रख रहे हैं पोहे के साथ। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक चम्मच लहसुन अदरक दरबरा कुटा हुआ। मिर्च हमने दो डाला है तो इसमें हम हल्का सा दरबरी कुटी हुई लाल मिर्च डाल रहे हैं। हल्का सा हम गरम मसाला ले रहे हैं, हल्दी, स्वाद अनुसार इसमें हम नमक ऐड कर दे रहे हैं। पहले इसको हम मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। ये देखिए बहुत सूखा लग रहा है। इसमें अब हल्का सा हम पानी डालेंगे। हल्का सा पानी डाल के हम इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे। ये पेस्ट हमारा बनके तैयार है। अब इधर हम ये अप्पे साचा लिए हैं, इसमें हल्का सा ऑयल लगा दे रहे हैं। अब इसमें हम हल्का सा राई ऐड करेंगे। अब जो हम पेस्ट बना के रखे हैं उसको सब में डालेंगे इस तरीके से। देखिए सब में अच्छी तरीके से हम रख दे रहे हैं पहले। इस तरीके से देखिए हम रख दिए हैं इसमें सभी में। और हम मीडियम गैस पे इसको अच्छी तरीके से पका ले रहे हैं। ये देखिए इसको हम पलट दे रहे हैं, हल्का सा एक तरफ हो गया है। ये भी किनारे कम गैस जल रहा है, धीमा जल रहा है तो कम पका हुआ है। इसको भी हम थोड़ा और पका ले रहे हैं। ये देखिए अब इस तरीके से हम सभी पलट दे रहे हैं, दूसरी तरफ भी हो जाए। तो हम गैस बराबर करके इसको अच्छी तरीके से सेक लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से सेक गया है, इसको प्लेट में हम निकाल ले रहे हैं। ये नाश्ता हमारा बन के रेडी हो गया बहुत कम समय में। आप लोग ज़रूर बताइएगा हमारा तरीका कैसा लगा। अगर हमारा तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।